हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए जानते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उनके लेवल्स क्या हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो स्क्रीन पे चलते हैं। सो होप्स यू गाइस, आपको स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने पास ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले डे टाइम फ्रेम में, क्योंकि इसका एक बिगर पिक्चर चाहिए कि क्या चल क्या रहा है, तो वो देख लें। तो जैसे कि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट देखिए कैसा ये इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव ऐसा अथवा सिमिलर वैसा ही वर्क किया है मार्केट, जैसा अपन ने कल बात की थी कि पहले इम्पल्सिव फिर करेक्टिव हुआ फिर इम्पल्सिव। तो अभी आज भी मार्केट गैप अब ओपन हुआ बट वो नीचे चला गया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था ना, आज प्रीमियम भी बहुत महंगे थे, मतलब बायर और सेलर दोनों बराबर ही की टक्कर चल रही थी। अगर आप उस पर देखेंगे ऑप्शन चेन पे तो दोनों बराबर ही थे, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था, इसलिए मार्केट नीचे भी नहीं गया और ऊपर भी नहीं गया। तो चलिए सबसे पहले अपन इसके लेवल्स बना लेते हैं। अभी तो डे टाइम फ्रेम है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आवली टाइम फ्रेम में। तो आवली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हम लोग को कुछ लॉजिक दिखता है कि नहीं। तो आवली टाइम फ्रेम में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, यहाँ पे दोनों बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने। यहाँ पे एक बार लिया है 23 सेप्टेम्बर को और एक आज लिया है 6 अक्टूबर को। तो चलिए इसको अपन एज सपोर्ट मार्क कर लेते हैं और नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक जोन बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी एक यहाँ पे अपन मार्क कर लेते हैं। अभी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक मिनट इसको जूम इन कर लूँ। जैसे आप 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको अपन स्मूथ कर लेते हैं लेवल्स को। स्मूथ मतलब ये देखिए यहाँ से इसको यहाँ पे कर लेते हैं और ये बराबर है यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक जोन है, और एक सेकेंड, ये एक जोन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखिए एक जोन है यहाँ पे, मार्केट है बहुत टाइम से इसके यहाँ पे, इसके नीचे नहीं जा रहा, यहाँ पे इसके ऊपर जाने में भी टाइम लग रहा था। कल देख सकते हैं आप, कल भी मार्केट कंसोलिडेशन में था और आज भी कंसोलिडेशन में था। आज गैप अप ओपन हुआ बट कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि कुछ बड़ा मूवमेंट देगा, बट ऑप्शन चेन जब मैं देख रहा था तो ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि कुछ आज बड़ा चेंज हो सकता, मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। सो जिस मार्केट ऐसा छोटा ही और कंसोलिडेशन में ख़त्म हो गया। प्रीमियम आज बहुत महंगे थे, मैंने ट्रेड किया था तो मेरा एक ऐसा लेट हो गया एक स्ट्रेटजी के हिसाब से, और उसके बाद मैंने ट्रेड किया ही नहीं। अभी ये थे यहाँ के इसके निफ्टी के लेवल्स। अभी ही ऊपर तरफ अपन मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो एक होगा यहाँ पे दिन का, यहाँ पे देखिए दो बार टाइम मार्केट ने हिट किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है इस लेवल पे। तो ये हम इसको एज अ यहाँ पे रेजिस्टेंस एक मार्क कर लेंगे। फिर इसके ऊपर अपन जाएंगे पीछे, तो यहाँ पे 23 सेप्टेम्बर को आएंगे तो ये एक यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक लेवल क्लिक मार्क कर सकते हैं। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे भी एक लेवल मार्क कर सकते हैं। निफ्टी निफ्टी 50 बड़ा मूवमेंट अभी नहीं दे रहा, इसलिए अपन छोटे छोटे ही लेवल मार्क कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही कल भी एक्सपेक्टेशंस कम ही लग रही है कि निफ्टी कुछ बड़ा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि मार्केट ग्लोबल मार्केट कुछ ऐसा इंडिकेशन दे नहीं रहा है कि कुछ बड़ा आ सकता है हमारे यहाँ पे। अभी नीचे इस तरफ अगर अपन इसके लेवल्स को मार्क करेंगे तो एक लेवल यहाँ पे आएगा, एक लेवल हमारा यहाँ पे आएगा। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है मार्केट ने और एक बार यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने इसलिए। और अगर इसके नीचे जाता है तो एक हमारा ये होगा 3 अक्टूबर का लो। तो ये हो गया हमारे डाउन साइड के लिए लेवल और ये हो गया हमारे अपसाइड के लेवल। अपसाइड के लेवल अब क्या, अगर आपको एक और चाहिए, अगर यहाँ पे बाई चांस थोड़ा मूवमेंट दे देता है, लगता नहीं अभी ऑलरेडी देख लेते डिफरेंस कितने का है, अगर मार्केट यहाँ पे भी होता है इट्स अ 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक और मार्क अपन लेवल यहाँ पे कर लेते, ये कर लेते अपन यहाँ पे समथिंग यहाँ पे, क्योंकि एक बार यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ फिर यहाँ पे आके फिर नीचे चला गया, फिर इसी जोन में ये इस जोन में मार्केट ने थोड़ी देर के लिए सफ़र किया, तो इसलिए हमने ये वाला लेवल मार्क कर दिया। चलिए अभी ये हो गया निफ्टी के, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो देख सकते हैं अपन। तो ये थे कल के लेवल्स, इसको एक सेकंड मैं रिमूव कर दूँ। तो ये है गाइस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को इसको सबसे पहले अपन आवरली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेते, देखते कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखते क्या। एक इंपॉर्टेंट लेवल मेरे को यही दिख रही है दिन का लो, इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और कुछ मेरे को अभी ज़्यादा दिख नहीं रहा है इसलिए कर लेते हैं इसको अपन 15 मिनट पे कन्वर्ट। 15 मिनट पे कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अपन कर लेते हैं एक और लेवल मार्क, जो है दिन का हाई। दिन का हाई, दिन का हाई और दिन का लो, इन दोनों को एज अ लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और अभी एक और डाउन साइड में लेवल देखेंगे, तो यहाँ पे निफ्टी में बड़े लेवल ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी बड़े लेवल जल्दी चेज़ कर लेता है।
इसको यहाँ पे अपन स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर और नीचे साइड आते तो एक लेवल यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है, और कल भी मार्केट ओपन होके यहाँ पे नीचे तक आ गया था, और इसी पॉइंट पे 38,500 के आसपास, और 38,550 टू 38,600 इसी के बीच में, इसी रेंज के बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया मार्केट। तो ये थे हमारा डाउन साइड का एक और लेवल, और एक और लेवल मार्क कर लेते तो एक आएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, एक बार एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट और 4था रेजिस्टेंस। अगर आप ऐसा जोन लेंगे इसको, ठीक है, ऐसा जोन लेंगे तो ये इसी में रहा है। तो ये हो गया हमारा डाउन साइड में। अगर ऊपर साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ये लेवल होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये देखिए यहाँ से नीचे आके इस मार्केट सीधा कंसोलिडेट किया, इसलिए ये वाली हमारी लेवल हो गई। अभी अगर इसके ऊपर हमको एक लेवल चाहिए तो ये हम यहाँ पे लेवल बना सकते हैं, बट अगर आप इसके बीच के देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 500 पॉइंट का है। तो एक अपन लेवल यहाँ पे बीच में बना सकते हैं। मैं छोटे लेवल बनाता हूँ कंसिडर करूँ, क्योंकि मार्केट के अभी कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि ग्लोबल मार्केट कुछ ऐसा बड़ा इंडिकेशन दे नहीं रहा है कि मार्केट कोई बड़ा मूव ले सकता है, इसलिए छोटे छोटे लेवल ही कंसीडर कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली अभी ट्रेड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने अभी ट्रेड किया नहीं है, निफ्टी 50 में किया था आज, तो उसमें ऐसा लेट हो गया। सो यही थे आज के लेवल्स और इसके पीछे का लॉक। चलिए अभी आपसे स्क्रीन पर मिलते हैं। सो होप यू गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यही थे आज के लेवल्स, और मैं और भी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ तो वो वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। थोड़ा सा अभी लोड ज़्यादा है, इस कारण से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करें तो मोटिवेशन मिलेगा। अभी आपसे मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।